नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। प्रज्ञा विडोवर एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण से भाग एक से प्रश्न क्रमांक एक से लेकर प्रश्न क्रमांक चार तक आप लोग को बताऊंगा। और ये पूरा आकृति से संबंधित प्रश्न है। सभी भाग में आपको अलग अलग आकृति का हल करने को मिलेगा और अलग अलग टाइप के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग के लिए फिर से दोबारा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता से आप लोग को बताऊंगा प्रश्न क्रमांक एक से लेकर प्रश्न क्रमांक चार तक। तो बिल्कुल बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है मानसिक योग्यता परीक्षा का प्रश्न पत्र, ठीक है। यहाँ पे लिखा है खंड एक मानसिक योग्यता परीक्षा भाग एक। तो हम शुरू करते हैं निर्देश से। निर्देश को बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या एक से चार में प्रत्येक प्रश्न में चार चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से तीन चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो आप लोग को जो भिन्न है वही आपका सही उत्तर होगा, इसमें आप लोग को छांटना है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ एम आर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये बताया है निर्देश, ओ एम आर शीट में आपको काला करना है इस आपके प्रश्न के आधार पर। जैसे ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके प्रश्न पत्र में, उत्तर पुस्तिका में भी ए बी सी डी दिया हुआ है। तो अगर ए वाला सही है तो ए वाला को काला करोगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहला प्रश्न बताते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक, यहाँ पर चार चित्र दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर इमेजिंग करना है कि इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ पर एक चीज हम इमेजिंग करेंगे कि इसकी क्रम को, ठीक है। सबसे पहले तो क्रम वाला, क्योंकि क्रम वाला ज्यादा रहता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम फोकस करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, चलो क्यू को ले लेते हैं। अगर क्यू ऐसे घूमता है तो क्या होता है, अगर ये घूमेगा तो ये आर नीचे जाएगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तो बाकी लोग को देख लेते हैं, जैसे ये क्यू है, क्यू वाला को हम पकड़ लेते हैं। जैसे ये उल्टा दिशा घूम रहा है, उल्टा चल रहा है, जैसे क्यू है तो क्यू इधर घूम गया, पी इधर आ गया, ये वाला पी इधर आ गया, एस इधर आ गया। जैसे अगला चित्र हम देखते हैं, क्यू को इधर घुमाते हैं तो ये पी ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पर चला जाता है, एस इधर चला जाता है, इस टाइप का हो रहा है। लेकिन ए वाला आकृति इस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सबसे अलग है, अलग टाइप घूम रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ए, ठीक है, ए। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब यहाँ पर चार आकृति दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है, एक गोला दिख रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है और यहाँ पर तीन गोला है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है कि वो चित्र क्रमवार कैसे घूम रहा है, ठीक है। ये जैसे ये वाला है, ये तो ठीक है, अब इधर घूमे आए तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये इसको घुमाओगे तो इधर आएगा, अब इधर घुमाओगे तो यहाँ पर त्रिभुज का पोजीशन देखो, इन सबका पोजीशन एक जैसा है। एक इधर है, इस साइड है, इसका जो नुकीला है भाग है वो सामने की ओर है, लेकिन याला ये कोने में जाके गड़ा हुआ है इसका त्रिभुज, ठीक है। तो ये अलग है, तो इसका सही उत्तर है टी। इस तरह से इसको इमेजिंग किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, यहाँ पर कुछ लेटर लिखा हुआ है अंग्रेजी लेटर में।
यहाँ पर TIC लिखा है, यहाँ पर CTE लिखा है, यहाँ पर TEC लिखा है, ITC लिखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर देखो TIC सब में है, D में भी है, B में भी, M है, लेकिन C में E है, तो बाकी E तो नहीं है, तो ये सबसे अलग है। इसका सही उत्तर है CE। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। अब यहाँ पर चार आकृति दिया हुआ है, हमको यहाँ पर सोचना है इसमें कैसे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी चार है, तो यहाँ पर चार कटमट है, या और ये धन वाला, चार तो धन है लेकिन यहाँ पर तीन ठोक है। और देख लेते हैं डी में कुछ अलग तो नहीं है, जैसे यहाँ पर दो डब्बा है, यहाँ पर दो डब्बा है, लेकिन यहाँ पर एक कम हो गया है ये आला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी। इस तरह से अलग अलग टाइप का एकदम पूछते हैं, जैसे क्रम वाले पूछते हैं, कई बार जो नहीं है उसको मिलान करना पड़ता है, जो भिन्न को खोजना पड़ता है, जो अलग टाइप दिख रहा है, ऐसा भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर क्रम वाला दिया हुआ है तीन, तो ये थोड़ा सा अलग अलग जो डिफरेंट है इसको खोजना होता है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी फ्रेश सेटू प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण भाग एक, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अपने घर में बिल्कुल अभ्यास करते रहेगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस तो चल ही रहा है। जो लोग नवोदय का फॉर्म भर चुके हैं वो अभी से अभ्यास करना शुरू कर दिएगा। यदि आपको ट्यूशन कोचिंग करना है तो अपने नजदीकी में जाकर कोचिंग भी कर सकते हो, या यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो भी उपलब्ध है। और साथ ही आप लोग के लिए मैं ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, पूरा प्रश्न पत्र इसमें हल करके भी बता रहा हूँ। तो आने वाले वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, और मेरा चैनल का नाम है प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, यदि आपको नहीं पता है तो सर्च भी कर सकते हैं, आपको प्रज्ञा वीडियो मिल जाएगा। और मैं इसका होस्ट है मोहनीश दीवान। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, बेझिझक, और सोशल मीडिया में भी बिल्कुल शेयर कर दिएगा, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या जितना भी अनगिनत सोशल मीडिया चलाते हैं वहां भी बिल्कुल शेयर कर दिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।